तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस अलग अलग लेआउट पर, ठीक है? इसको चलो तो स्क्रीन शेयर करिए, क्लोज एवरीथिंग एल्स। ओके, तो पेंट वाली स्क्रीन सबको दिख रही है? अच्छा ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे ग्रिड का कंटेनर, विच इज नॉट टू मच हार्ड। ये हो गया हमारा कंटेनर तैयार, ठीक है? अब इस कंटेनर के अंदर, 1 मिनट दे देना मुझे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाएंगे, वो होगा यहाँ पर, ठीक है? उसी के बाजू में दूसरा ब्लॉक बनाएंगे, वो होगा यहाँ पर। फिर एक ब्लॉक 3 करके आएगा, वो होगा यहाँ पर, इसी के आसपास। आज के लेक्चर में आपका ये टास्क है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, और उसका कैसे हम पोजीशनिंग करेंगे, किसको क्या नाम देंगे, ठीक है? तो आपका डाउट भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अरे मैं तिकड़ा जाता हूँ, हल्या तो आएगा क्या, समझत नहीं जिस मेरी। किसी का भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर दो। इसको जरा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबको नाम दे देंगे। ये होगा ब्लॉक 1, ये होगा ब्लॉक 2, ये होगा हमारा ब्लॉक 3, फिर इसके बाद ये होगा ब्लॉक 4, ठीक है? फिर इसके अंदर होगा ब्लॉक 5, ये हो गया हमारा ब्लॉक 6, ठीक है? ये हो गया ब्लॉक 7, फिर ब्लॉक, ये क्या होता है पता नहीं, 8 एंड ब्लॉक 9। तो टोटल नंबर ऑफ ड्यूज कितने हैं हमारे? 9। तो सबसे बाहर होगा हमारा ग्रिड कंटेनर कंटेनर। तो आपको अभी इसमें आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये थोड़ा कम बन गया है पूरा, ठीक है? इसका जो विड्थ है यहाँ तक है सर, मान के चलो ब्लॉक 2 का थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, तो अभी मुझे बताइए कि इस वाले जो हमारा अभी लेआउट बना है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, बताइए नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे इसके अंदर? कॉलम 4 हो गया, और आ सकते हैं सर। रोज कितने हैं? पहले पहले रोज रोज एंड 4 कॉलम्स, 4 4 रो एंड 4 कॉलम्स। 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, यस ठीक है? आपने डिसाइड किया अभी? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं डिसाइड करूंगा 5 को। फिर नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा।
ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से हमारे पास चार ही रोज है और चार ही कॉलम है, आपको आइडेंटिफाई करना था। ठीक है ओके, तो फिर से हाँ अभी चाहेंगे। अच्छा ये आपने देख लिया पूरा, समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर दिखाने के लिए, ये देखो यहाँ पर इसका जो पोजीशन है वो इस वाले जो नीचे वाले ये जो कॉलम का एज है इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे कि आगे पीछे थोड़ा सा कैसे करेंगे, मतलब एग्जैक्ट इसी लाइन में नहीं है वो। रेशियो ले सकते हैं ना, देखेंगे बाद में। ठीक है, तो दिखाने के लिए ये दोनों एक लाइन में नहीं है। ठीक है चलो, तो अभी जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो ये रहेगा लेआउट फोल्डर एचटीएमएल और सीएसएस के फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे लेआउट फोर डॉट सीएसएस। ठीक है, तो बेसिक कोडिंग लेआउट ऑल राइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्रिड कंटेनर, फिर उसके अंदर हमारे पास कितने डिव्स टोटल, टोटल नंबर ऑफ डिव्स कितने, नाइन। तो डॉट ग्रिड आइटम, मेरा नेट नहीं चल रहा है क्या, ब्लॉक ठीक है। तो ब्लॉक नैन आ गए हमारे पास, ग्रिड कंटेनर ग्रिड आइटम ब्लॉक 1 to 9 पर। तो लिंक दे देंगे css/layout4 ना, और css। चलो तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाकर मैगजीन 0 और पैडिंग 0 कर लेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम डॉट ग्रिड कंटेनर जो है उसकी विड्थ कितनी रखे, 100% या 80%, 100 थोड़ा सा लेट हो गया। इसकी हाइट भी फिर हो जाएगी 100 VH। वो वेव हाइट उसका देखो VH है ना, हाँ तो यहाँ पे मतलब VW ऐसा कुछ नहीं, नहीं वो होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टी, इसका नाम है डिस्प्ले करेंट। ठीक है, इसको आउटपुट देख लेते हैं, गिव मी अ सेकंड। सर वॉइस नहीं आ रही है, म्यूट पे था मैं, सॉरी। तो ग्रिड आइटम को दे देंगे हमें एक बैकग्राउंड कलर, या फिर एक काम करेंगे बॉक्स शैडो को यूज कर लेंगे। ठीक है, 10px 10px 30px और GPA ऑफ
0.00 and 0.3. ऑलराइट ओके, तो बेसिकली हम क्या करते थे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के अंदर अगर मुझे चार चाहिए तो रिपीट 4,1 fr, ठीक है, तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। और फॉर नाउ हम इसके अंदर गैप रख देंगे 10 pixels का, तो आपको प्रॉपरली दिखेगा कि क्या है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी लगाना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, दिख रहा है या फिर वही ठीक था? ठीक है, तो हमारे पास अभी कितने ब्लॉक्स है, 9, जो कि एक्सपेक्टेड थे। अब आप मुझे बताइए कि इसका पोजीशनिंग ऐसा कैसे होगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा इसके अंदर? ओके, तो पहले सब हर एक चीज को हम मतलब हर एक डिव को, जैसे ब्लॉक 1, अच्छा इधर मैंने हाइफन लगाया है क्या, लगाया, तो ब्लॉक हाइफन 1 इसके अंदर ग्रिड एरिया का लगाएंगे, ब्लॉक को नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए बताने, एक दो, चलो इसको दो कर लेते हैं। तीन चार पाँच छः सात आठ एंड 9, चलो सबको नाम हमने दे दिया है। अब हमें इस वाली प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, तो इसे हटा देंगे। चलो तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, तो ग्रेड टेम्पलेट एरियाज इसके अंदर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 कितने बार रखना पड़ेगा, 3 times, ब्लॉक 2। चलो फिर उसके बाद बताओ सेकंड वाली रो हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ब्लॉक 3 से, ओके, मतलब यही कैसे शुरू हो जाएगी वो, तो ब्लॉक 3 फिर अगेन ब्लॉक 3 फिर ब्लॉक 6 ब्लॉक 6 और ब्लॉक 7, वेरी गुड। अभी थर्ड वाली रूम ब्लॉक 3, वेरी गुड, ब्लॉक 6 अगेन, ब्लॉक 6 स्पेलिंग देखना गलत ना हो जाए, ब्लॉक 8, वेरी गुड। चलो और ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, तो अभी जाते हैं आउटपुट पर। अभी देखो दिख रहा है आउटपुट आपको, ठीक है आप एक मिनट आउटपुट को देखिए।
back in one second. All right. तो हमें क्या करना है अभी, ब्लॉक को इनकी साइज बढ़ानी ना, विड्थ। बताओ अभी आइडिया कौन था वो रेशो वाला, मतलब किसका आइडिया था वो रेशो वाला यार, किसका माइक चालू है यार, एक मिनट एक मिनट, मैं सबके एक बार माइक बंद कर देता हूँ, अभी बोलो। जो ब्लॉक हुआ ना उसका रेशो 1.25 कर सकते हैं। चलो देखते हैं, बताओ कहाँ पर करना है ब्लॉक हुआ, यहाँ पर साइज क्या आएगा फिर इसका, कॉलम 1.25 से डायरेक्ट अभी पॉइंट करना है ना, ठीक है। साइज कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, वही पूछ रहा हूँ, रेशियो कुछ ऐसा कमांड होगी ना कुछ इसकी, ऐसे ही कमांड नहीं बोलते इसको, प्रॉपर्टी बोलते हैं। हाँ वो हमारा में कुछ कमांड आ रहा है, आपके में कमांड होती है क्या? एक मिनट, तो चलिए एक काम करते हैं, हम ट्राई करके देखते। अच्छा इसके अंदर क्रिएट कॉलम, इसको इंस्पेक्ट करके देखा जाए, सर ये व्यू कैसे देखने को भी बताइएगा जरा, कौन सा ये वाला? तो हमें ब्लॉक वन की विड्थ बढ़ानी है। चलो तो ग्रिड कॉलम इसकी हाइट भी वैसे दे देंगे सबसे नॉर्मल, अपन हाइट विड्थ नॉर्मल, और कहाँ चला गया आप ये बोल रहे हो क्या? हाँ ये वाला जैसे अपन ये भी, ये ब्लॉक वन ये डीवी है ना, ये जैसे तो इसका जैसे हाँ, अरे मुझे दिख नहीं रहा है कंप्यूटर। तो आपको क्या करना है अगर ये 25% 30% करके देखते हैं इसको, तो और छोटा होगा 70% 0.25% चढ़ गया उसके ऊपर 70% करने पे वो छोटा हो जाएगा, मतलब अभी क्या हो रहा है 100% करना पड़ेगा सर, 100% के भी ऊपर जाना पड़ेगा, ये देखो ऐसे, और ब्लॉक टू का हम विड्थ फिर हमको कम करना पड़ेगा लाइक 80% करना पड़ेगा। उसका स्टार्टिंग देखो कहाँ से हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर, और पोजीशनिंग वगैरह करके भी नहीं आएगा, यूज कर पोजीशन यूज करते तो वो ओवरलैपिंग वाला कितना हाईलाइट करना है कितना ये करना है वो वैसे इससे होगा सर, लेकिन इसकी जो एग्जैक्टली साइज तो ओवरलैपिंग हो रही, पोजीशन शायद नहीं आएगा उसमें एग्जैक्टली, फिर भी हमें ट्राई करना पड़ेगा। जो ड्यू लिया है लेआउट फोर में उसकी अपन दे सकते हो वहाँ पे, कहाँ पर लेआउट फोर है ना, ये सीएसएस की फाइल है एचटीएमएल की, यहाँ पे जो ड्यू की ये है तो यहाँ पे उसकी हाइट विड्थ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कुछ,
मेंशन कर सकते हैं। बस मेंशन करना है, जो भी करना है सीएसएस में करना है। पोजीशन कुछ काम नहीं कर रहा है अभी, फ्लोट लेफ्ट नहीं कर सकते, ट्राई करेंगे, आप बोलो चाहे जो भी करना है। जैसे ब्लॉक वन का अपन ने 70% किया, 80% किया तो छोटा आ गया, तो वैसे भी ये भी ब्लॉक टू भी छोटा तो हो गया है वो, देखो छोटा हो गया है वो, बट यहाँ से नहीं हुआ। मार्जिन लेफ्ट भी कर देंगे, ठीक है मार्जिन लेफ्ट भी कर देंगे। और बोलो मार्जिन लेफ्ट को कितना माइनस में 10% ट्राई करें। हो रहा है कुछ? अच्छा लेफ्ट में नहीं करना है ना, उसको बढ़ाना है। ये इसका 80% किया ना वहाँ पे, उसकी ये ब्लॉक टू तो उसको 60% करके देखिए एक बार। ये कुछ तो हुआ इधर, वो डायरेक्ट राइट कॉर्नर से शिफ्ट हो गया ये, मतलब वहाँ पे शिफ्ट। अभी यहाँ पे 60% करके देखिए एक बार, किसको? मार्जिन लेफ्ट को या फिर ये हो गया वहाँ पे। सर वीड बढ़ाना पड़ेगा, वीड अभी इसकी वीड बढ़ाई, ठीक है कितना करें बताओ, 90 करें अभी? हाँ अभी इसकी नहीं, अभी जो ब्लॉक वन की ये कर देते हैं ब्लॉक वन का, तो उसका कितना करें, 40 करें? हाँ ब्लॉक वन 40 कर देते, ठीक है और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी वो उसका दोनों के बीच का मार्जिन कम कीजिए, तो 20% ले मार्जिन और 10% कर दीजिए। अच्छा अच्छा चलेगा, 10% होगा थोड़ा सा, 12% थोड़ा सा और, 12.5% थोड़ा सा और, 13% बस। इसका थोड़ा वो शेडिंग किया ना, थोड़ा चेंज कर दीजिए, मतलब थोड़ा प्रॉपर समझ में आ जाए थोड़ा सा। अच्छा उसको बढ़ा देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कलर शेडिंग सर, कलर चेंज कर दीजिए, मतलब क्लियरली समझ में आ जाएगा, डिफरेंट कलर, ठीक है प्रॉब्लम नहीं। राजा बस, ठीक है और कुछ? कोड में जाइए, कोड देखने दीजिए एक बार, कैसा क्या कोड दीजिए, एनालिसिस करने दीजिए। अच्छा मतलब पहले जिसको बढ़ाना है उसकी वेट परसेंटेज में ज़्यादा बढ़ाने की तरफ होगी, और उसके आगे वाले की मार्जिन कम करेंगे। ठीक है आइडिया आ गया। अभी किसी का एक और सवाल था, जैसे कि जो ग्रिड का साइज ले वो कम ज्यादा कर सकते क्या था बाय डिफॉल्ट? कर सकते हैं डिफॉल्ट, मतलब आपको आपके हिसाब से करना हो नहीं, जैसे अभी अपन ने जैसे कि इसमें चार कॉलम दिए है ना, तो उसमें अपने जो अपनी स्क्रीन है उसको चार में डिवाइड कर देना, 25% का एक ले लिया उसमें, तो सपोज हमको ब्लॉक वन या ब्लॉक नाइन टेन ब्लॉक एट का साइज बढ़ाना है, सबका साइज कैसे बढ़ेगा? अभी समझो मैंने अभी 2F और 2F और सबको दे दिया, ठीक है हाँ, तो रेशियो तो फिर भी 1 का ही होगा ना, हाँ तो वही जैसे अगर जैसे एक इसका 1FR, चलो आपको एक बताता हूँ, दूसरे इसका 2FR दिया, ओके तो सबसे पहले ये बताओ कि आपको मतलब आपको मतलब सबको आइडिया आ गया कम करना है ये वाला, ठीक है चलो वेरी गुड।